तो जैसा कि आपको पता है कि नासा का जो परसेवरेंस रोवर 2020 है वह फाइनली आज कुछ ही देर में मार्स पर लैंड करने वाला है यह परसेवरेंस रोवर 30 जुलाई 2020 को यूनाइटेड लॉन्च एलायंस के एटलस वी रॉकेट की मदद से लॉन्च करा गया था और आज यह परसेवरेंस रोवर मतलब 18 फरवरी 2021 को मार्सियन सरफेस पर लैंडिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अब आपके दिमाग में इस रोवर को लेकर कई सारी बातें आ रही होंगी तो आज के इस वीडियो में हम आपको परसेबरेंस रोवर की लैंडिंग जोन और इस परसेबरेंस रोवर की लैंडिंग टाइम के बारे में बताएंगे तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में और इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हिंदी स्पेस चैनल को परसैबरेंस रोवर से जुड़ी अपडेट्स को पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें नासा की तरफ से इस परसैबरेंस रोवर को मार्स के जेजरो क्रेटर पर 18 फरवरी 2021 को लैंड करवाने के लिए शेड्यूल करा गया है और इस परसेवरेंस रोवर का मार्स पर लैंडिंग करने का जो टाइम है वह ईस्टर्न डेलाइट टाइम के अकॉर्डिंग 3:55 फिफ्टी है मतलब कि अगर आप इसको इंडियन टाइम में कन्वर्ट करते हैं, तो 19 फरवरी को आप इसकी लैंडिंग को 1:25 ट्वेंटी एम पर देख सकते हैं और नासा की तरफ से इसकी ऑफिशियल स्ट्रीमिंग 2:15 फिफ्टीन मतलब कि इसके लैंडिंग के वन एंड हाफ आवर पहले ही स्टार्ट करी जाएगी अगर आप इस परसैबरेन्स रोवर को क्यूरियोसिटी रोवर से कंपेयर करते हैं तो यह जो परसैबरेन्स रोवर है वह क्यूरियोसिटी रोवर की कंपैरिजन में ज्यादा एडवांस ज्यादा बिगर और ज्यादा हेवियर है इसी के साथ इसमें कई सारे ऐसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करा गया है जो कि क्यूरियोसिटी रोवर में यूज नहीं करे गए थे और जैसा कि आपको पता है कि टाइम के साथ हर एक चीज अपग्रेड होती जाती है ठीक उसी प्रकार से आप इस परसैबरेंस रोवर को क्यूरियोसिटी रोवर की नेक्स्ट जनरेशन कह सकते हैं अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि इस रोवर की जो लैंडिंग है वह मार्स के जेजरो क्रेटर पर ही क्यों करवाई जा रही है तो अगर आपको इसके जवाब में बताएं इसका जो मेन रीजन है वह यह है कि प्रेजेंट टाइम में जो जेजरो है वह एंसियन टाइम में एक रिवर का डेल्टा था जहाँ पर आज से सैकड़ों करोड़ों साल पहले वाटर लिक्विड फॉर्म में मौजूद था इसको कई सारी रिसर्च के बाद ही रोवर की लैंडिंग के लिए चूज करा गया है जैसा की आपको भी यह पता है की सबसे पहले पृथ्वी पर अगर लाइफ की शुरुआत हुई थी तब वह वाटर से ही हुई थी उसी प्रकार से अगर एंसियंट टाइम में मार्स पर भी किसी प्रकार की लाइफ एग्जिस्ट करती होगी तो वह लाइफ भी इसके वाटर सोर्सेस के आसपास ही एग्जिस्ट करी होगी और परसेवरेंस रोवर में जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, वह यहाँ पर इसकी लैंडिंग करने के बाद एंसियंट लाइफ के मौजूद होने के एविडेंस की तलाश करेंगे इस परसेबेंस रोवर का जो मेन मोटिव है वह मार्स पर कॉम्प्लेक्स लाइफ की डिस्कवरी करना नहीं है बल्कि इसका मेन मोटिव मार्स पर किसी भी प्रकार की लाइफ को डिस्कवर करना है फिर मार्स पर चाहे वो एंसियंट बायोलॉजिकल लाइफ के ही एविडेंस क्यों ना हो फिलहाल तो प्रेजेंट टाइम में क्यूरियोसिटी रोवर के द्वारा भी किसी प्रकार की लाइफ को डिस्कवर नहीं करा गया है तो इस बात की तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि यह जो एंसियंट जेजरो लेक है वहां पर किसी प्रकार की कॉम्प्लेक्स मार्सियन लाइफ के होने के एविडेंस हमें मिलेंगे क्योंकि अगर इस रेड प्लेनेट पर किसी प्रकार की कॉम्प्लेक्स लाइफ मौजूद रही होती तो उसके जो एविडेंस है उसको क्यूरियोसिटी रोवर के द्वारा भी डिस्कवर करा जाना चाहिए था और अगर मार्स पर एंसियंट टाइम में बायोलॉजिकल लाइफ भी एग्जिस्ट करी होगी तो यह बहुत ही बड़ी डिस्कवरी होने वाली है तो इससे यह भी पता चलेगा कि पूरे यूनिवर्स में अर्थ अकेला ऐसा प्लेनेट नहीं है जहां पर लाइफ इवॉल्व कर सके फिलहाल तो मार्स के जेजरो क्रेटर पर लाइफ के सैंपल्स मिलते हैं या नहीं यह तो परसेपरेंस रोवर की लैंडिंग के बाद ही पता चलेगा गा और रोवर की मार्स लैंडिंग से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है वह आपको हिंदी स्पेस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी इस परसेबरेंस रोवर में जो सबसे खास बात है वह यह है कि यह अपने साथ एक इंजूनिटी मार्सियन हेलीकॉप्टर को भी मार्स के सरफेस पर लैंड करवाएगा जो की मार्स पर इंसानों के द्वारा बनाया गया किसी प्रकार का पहला क्वाडकॉप्टर होगा जिसने की मार्स के सर्फेस पर अपनी पहली फ्लाइट कंडक्ट करी हो बाकी अगर आप इस परसेबेंस रोवर के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप आई बटन आरोप करके हमारे द्वारा इसके ऊपर बनाई गई डिटेल वीडियो को देख सकते हैं फिलहाल तो रोवर की जो लैंडिंग है वह इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आप उन्नीस फरवरी दो को वन ट्वेंटी फाइव बड़ी आसानी ऐसी नासा की ऑफिसियल यूट्यूब चैनल आरोप देख सकते हैं फिलहाल रोवर की लैंडिंग ऐसी रिलेटेड जो आगे की न्यूज है वह आपको हिंदी स्पेस चैनल आरोप देखने को मिलती रहेंगी तो आप हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम